हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लांट प्लेस करते हैं और कुछ क्लिनिकल टिप्स के साथ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इम्प्लांट प्लेसमेंट में। तो सबसे पहले आप पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं, आप मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद आप प्लान करते हैं। आप प्लान करते हैं हमें इम्प्लांट कौन से साइज का प्लेस करना है, कैसा इम्प्लांट प्लेस करना है। तो ये सारी चीजें प्लान करने के बाद आप क्या करते हैं, आप कंसेंट लेते हैं पेशेंट का। जिस दिन पेशेंट सर्जरी के लिए आ रहा है उस दिन हम लोग सबसे पहले पेशेंट को कंसेंट पे साइन कराते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेज वन सर्जरी की तरफ जाते हैं। स्टेज वन सर्जरी मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूं, स्टेज वन सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो मेरी इम्प्लांट प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेज वन डेंटल इम्प्लांट सर्जरी। तो हमने स्टेज वन सर्जरी के लिए पेशेंट आ चुका है, हमारे पास फ्रिज में कोल्ड सलाइन रेडी होना चाहिए क्योंकि जो हीट प्रोडक्शन होगी बोन के लिए वो अच्छी नहीं है, उससे हमारी बोन के सेल्स मर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सलाइन को कोल्ड करके यूज कीजिए। आप जो है पेशेंट की चेयर पे क्लोरहेक्सिडीन 0.12% जो है क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश रेडी करते हैं। बिफोर सर्जरी पेशेंट को रिंस करने को बोलते हैं, कुल्ला करने को बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो सर्जरी करने वाले हैं उससे पहले आपके बैक्टीरियल काउंट जो है वो कम हो जाते हैं, बैक्टीरियाज मर जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ जो इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं आपके पास सिर्फ वो इम्प्लांट नहीं, आपके पास थोड़ा ऊपर नीचे के साइज के इम्प्लांट्स भी होने चाहिए। आपके पास जो है वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल होने चाहिए जब आप अपना इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं, स्टेज वन सर्जरी करने वाले हैं। साथ में आपके पास कुछ वेरिएबल किट भी होनी चाहिए कि इनकेस हमें बैकअप में कभी कभी क्या होता है, इनकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जितना भी सामान है, जितना भी आपका आर्मेंटेरियम है वो क्या होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए आपके प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब आपका पीजो डिस्पेंसर जो है रेडी होना चाहिए, कोल्ड सलाइन रेडी होना चाहिए, सब चीज सामान टेबल पे आपके पास आ चुका है, आपने पेशेंट को कुल्ला करा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इम्प्लांट प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले जो होता है आपको पीजो में आपको अपना पीजो सेट करके रखना है। देखिए पीजो की सेटिंग जो होती है वो आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सेटिंग पे सेम आरपीएम पे आप सारी चीज नहीं कर सकते हैं। किसी किसी केस में आपको क्या होता है क्रेस्टोटॉमी करनी पड़ जाती है। क्रेस्टोटॉमी कब, जब आपकी बहुत ज्यादा इरेगुलर रिज है आपकी। ठीक है, उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आपको फ्लैट निक करनी पड़ती है रिज, वो आप 1:1 रेशो में करते हैं। समवेयर अराउंड 21,000 आरपीएम पे आप सेट करते हैं, क्रेस्टोटॉमी करते हैं, उसके बाद आप जो है ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है ऑस्टियोटॉमी करेंगे, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे साइट की, वो आप करते हैं 20:1 पीजो की जो है सेटिंग पे, जो कि समवेयर अराउंड हमारी 2000 आती है। तो अगर आप मैक्सिला की बात करते हैं तो मैक्सिला की जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है, उसके लिए हमें ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, यानी D3 या D4 बोन होगी मेरी मैक्सिला में, तो वो समवेयर अराउंड 500 अगर आप ऐसे अंदाजे से बोलेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस से 500 से 800 जो है आरपीएम के अराउंड मैक्सिला में हो जाती है ड्रिलिंग। और मैंडेबल की अगर आप बोलेंगे तो मैंडेबल में जो है समवेयर अराउंड 1100-1200, कभी कभी देखिए बहुत हार्ड बोन है मैंडेबलर एंटीरियर में तो आपको 1400-1500 भी लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस अराउंड आरपीएम जो होती है हमारी मैंडेबल में होती है। अगर आपके पास सर्जिकल गाइड आपने बनवा रखा है, अगर आपने कैट कैम से, तो सर्जिकल गाइड आप प्लेस करेंगे, आप पहले उससे पहले स्टरलाइज करेंगे, तो 2% ग्लूटरल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट में आप एक दिन डिप करके रखते हैं सर्जरी से पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इम्प्लांट में क्या है, सारी चीजें जब भी हम डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 400 डेंटिस्ट्री इम्प्लांट डेंटिस्ट्री ऑफकोर्स है, ठीक है, कभी कभी 600 भी हो सकती है अगर आप साइनस लिफ्ट या कोई भी बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत छोटी टिप ये है कि आप रिट्रैक्टर का यूज कीजिए। अगर आप रिट्रैक्टर यूज कर रहे हैं तो क्या है? आपका सॉफ्ट टिश्यू, स्पेशली अगर आप ओवर डेंचर का केस कर रहे हैं, अगर आप ईडेंचुलस में आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो उसमें आप जैसे ही रिट्रैक्टर यूज करेंगे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी होगी, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। अब आपने क्या किया है, एलए दे दिया है, पेशेंट आपके पास रेडी हो गया, आपने एलए दे दिया। मैं यूजुअली क्या है नर्व ब्लॉक देती हूं, तो आपने एलए दे दिया, चेक कर लिया एलए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, सर्जिकल साइट को वाइप कर रहे हैं बीटाडीन से और आप इंसिजन के लिए रेडी है। तो हम लोग जब इंसिजन करते हैं दो तरीके का हम सर्जरी कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं फ्लैपलेस सर्जरी, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्लैप ही एलिवेट नहीं कर रहे हैं,
या फिर मेरी होती है फ्लैप वाली सर्जरी, यानी फ्लैप सर्जरी कर रहे हैं। अगर आप जनरली जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो मैं कभी भी नहीं आपको बोलूंगा आप फ्लैपलेस सर्जरी पे जाइए। सबसे पहले आप फ्लैप सर्जरी से स्टार्ट कीजिए। फ्लैप सर्जरी में आप इंसिजन दीजिए, मिड क्रिस्टल इंसिजन दीजिए और आप जो है फुल थिकनेस फ्लैप रिफ्लेक्ट करिए। जब आप फुल थिकनेस फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी क्रेस्ट ऑफ द रिज विजिबल होगी, आपके पास पूरी की पूरी डायमेंशन होगी। तो आप अगर इधर उधर जा भी सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी रिज है और आपका इम्प्लांट प्लेसमेंट जो होगा सही होगा। अब देखिए, आपकी अगर मान लीजिए आपका रिज जो है वो 5 मिलीमीटर की आपने बॉलीज गॉज से मेजर कर लिया है, आपने जैसे ही फ्लैप रिफ्लेक्ट किया आपने मेजर कर लिया कि मान लीजिए 5 मिलीमीटर की मेरे पास विड्थ आ रही है, तो आपको कम से कम 1 मिलीमीटर बक्कल रखना है, कम से कम 1 मिलीमीटर जो है लिंगवल रखना है। तो आपके पास विड्थ कितनी बचती है इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए? 3 मिलीमीटर बचती है। तो आपका इम्प्लांट का विड्थ जो होगा वो कितना होगा? 3 मिलीमीटर होगा। ठीक है, ऐसे आप विड्थ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ आप जो है पहले ही कर लेते हैं आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लैंडमार्क्स को देखते हुए कि कितनी आपको लेंथ रखनी है। आईओपीआर में, ओपीजी में, किसी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लैप की बात करते हैं तो सबसे पहले मिड क्रिस्टल इंसिजन दे सकते हैं, विडमन फ्लैप दे सकते हैं, या फिर अगर आपका एस्थेटिक रीजन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैपिलरी प्रिजर्वेशन फ्लैप दे। पैपिला को हमेशा प्रिजर्व करना है, तो आप क्या है पैलेटली देते हैं इंसिजन, आप जो है पैपिला को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो पैपिला प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एस्थेटिक में जा रहे हैं तो। उसके बाद आपने क्या किया है, फ्लैप एलिवेट कर दिया है, पूरा का पूरा बोन एक्सपोज कर दी है। आप बक्कली भी देखिए, सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ रिज रिज का क्रेस्ट ओपन कर दिया। अगर कोई फेनिस्ट्रेशन होती है तो आप जब इम्प्लांट प्लेस करेंगे, मान लीजिए फेनिस्ट्रेशन को मैं बक्कल व्यू से आपको बताती हूँ, तो अगर मेरा बोन के अंदर बाहर यहां से तो पूरा का पूरा बोन इंटैक्ट है, यहाँ पे बोन है, बोन है, बोन है, बोन है। ठीक है, लेकिन यहां पे कभी कभी क्या हो सकता है, अपाइकली में फेनेस्ट्रेशन के अंदर ओपनिंग होगी, तो आप जितना इम्प्लांट जिस जगह में आप इनिशियली जब प्लेस कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फ्लैप रेज करके आप देखिए कि फेनेस्ट्रेशन डेहिसेंस कुछ नहीं दिख रही। डेहिसेंस होगी तो आपको कोरोनरी दिख जाएगी, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब आप ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं, आपने फ्लैप रिफ्लेक्ट कर दिया। जब हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राउंड बर्स से जो है अपन चेक करते हैं सबसे पहले डॉट लगा के। अगर आप अपना यूज नहीं कर रहे हैं सर्जिकल गाइड तब मैं बात करती हूँ, सर्जिकल गाइड है तो आपको उसमें ड्रिलिंग करनी है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका ये दांत है, दो एडजेसेंट दांत है, ठीक है, एक आपका ये दांत है और एक आपका ये दांत है, यहां पे क्या है आपने अभी ड्रिलिंग करनी है। तो सबसे पहले राउंड बर्स से आप यहां पे क्या करते हैं, एक डेंट बना देते हैं। ठीक है, आपको क्लिनिकली देख के पता चल गया डेंट आ गया। अब आप क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंसिजन, जब सबसे पहले ऑस्टियोटॉमी करते हैं तो हम लोग लैंस ड्रिल, एक उसको क्या बोलते हैं पायलट ड्रिल भी बोलते हैं, उसका एक और नाम है लोकेटर ड्रिल भी बोलते हैं, है ना। ये जो होती है, यह 2 मिलीमीटर की पतली ड्रिल होती है, सबसे पतली ड्रिल होगी, हर किट के अंदर लैंस ड्रिल मिलती है मोस्टली हमारी। तो 2 मिलीमीटर की जो मेरी ड्रिल होगी उसको हम लोग अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, अंदर प्लेस करके हम लोग इस ड्रिल को अंदर प्लेस करे करे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सरे लेते हैं, एक आईओपीआर लिया, आईओपीआर लिया तो मुझे एंगुलेशन पता चल गई। अब ये वाली जो ड्रिल है ये पैरेलल होनी चाहिए मेरी एडजेसेंट रूट्स के। ठीक है, इन दोनों रूट के पैरेलल होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी जो आपने ड्रिलिंग की सबसे पहले वो आपकी ऐसे आ गई। अब क्या है, अब आपको ड्रिलिंग जो है स्ट्रेट करनी है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक स्पेशल ड्रिल होती है जिसको बोलते हैं लिंडेमैन ड्रिल। लिंडेमैन ड्रिल जो होती है वो क्या करती है, लैटरल कटिंग करती है, उसका पर्पज ही लैटरल कटिंग का होता है। ऐसी ड्रिल होती है लिंडेमैन, ये क्या करती है मेरी लैटरल कटिंग करती है, इसके बाद इसका लैटरल कटिंग बर होता है। तो ये क्या करती है, स्पेशल साइड कटिंग बर है ये मेरी। इसके बाद क्या करती हूं मैं, यहां से साइड से कट करके निकाल के और फिर क्या है दोबारा से पायलट ड्रिल से स्ट्रेट प्लेस करके और फिर एक्सरे लेती हूँ। अब मेरे पास क्या है, अगर मुझे मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस करने हैं, अगर मुझे मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल पिन यूज करते हैं। किट के अंदर क्या होता है, पैरेलल पिन्स होती है। ये पैरेलल पिन का क्या काम है, पैरेलल पिन हम साइड में डालते हैं और पैरेललिज्म चेक करते हैं। इसका काम ही तब आता है जब हम लोग मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं। पैरेलल पिन को फोर्स डायरेक्शन इंडिकेटर भी बोल देते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो आप ऐसे मत कीजिए कि आपने एक इम्प्लांट प्लेस कर दिया उसके बाद आप, बहुत क्लिनिशियन ऐसे भी करते हैं, एक इम्प्लांट प्लेस कर दिया पूरा इम्प्लांट प्लेसमेंट हो गया उसके बाद आप नेक्स्ट ड्रिलिंग स्टार्ट करें। देखिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपने एक बार फ्लैप रिफ्लेक्ट कर दिया, आप एक बार क्या कीजिए, आप इनिशियल ड्रिल कर लीजिए। ठीक है,
इनिशियल ड्रिल आपने कर ली, अब इसके बाद क्या, आपने पैरेलल पिन डाल दी। पैरेलल पिन डालने के बाद क्योंकि कोई और एडजेसेंट दांत नहीं है देखने के लिए कि आप उसके पैरेलल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल पिन डालने के बाद अब उसके पैरेलल जो होगी मैं ऑस्टियोटोमी करूंगी, तो दूसरी भी पैरेलल पिन डाल के मैं चेक करूंगी कि दोनों की दोनों पैरेलल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब क्या किया है, मैंने पैरेलल पिन डाल दिया, अब ऑस्टियोटमी हमें क्या करनी है, वाइड करनी है। ऑस्टियोटमी वाइड करते हैं तो हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अगर 2.8 किया, उसके बाद 3.2 किया, उसके बाद क्या है 3.5 किया, 3.7 किया, ऐसे हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं। लेंथ जो होती है वो हमारी सेम होती है, यानी कि अगर आपको मान लीजिए प्लेस करना है 4x11 मिलीमीटर का इम्प्लांट, तो 11 मिलीमीटर लेंथ है, 4 मिलीमीटर विड्थ है, तो लेंथ जो होगी हमेशा सेम रहेगी। यानी कि अगर जब मैं ऑस्टियोटॉमी करूंगी, जब मैं ड्रिलिंग प्लेस करूंगी बोन को कट करने के लिए, तो लेंथ जो होगी वो 11 मिलीमीटर ही रखूंगी। लेकिन अगर हम लोग विड्थ की बात करते हैं, हम लोग डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर जो होगा इम्प्लांट से कम रखते हो, अगर सेम डायमीटर का प्लेस करोगे तो उतनी रिटेंशन नहीं आएगी, पकड़ नहीं आएगी। तो D1 D2 जो कि हमारी बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड बोन है, हार्ड बोन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कम गैप रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोन हार्ड है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 0.3 मिलीमीटर समवेयर अराउंड, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, समवेयर अराउंड 0.3 मिलीमीटर का जो है हम लोग डिफरेंस रखते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, इम्प्लांट टू इम्प्लांट डिपेंड करता है। अगर D1 D2 बोन कर रहे हैं, तो D1 D2 बोन ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पैसिव इम्प्लांट यूज करते हैं, कम थ्रेड वाला इम्प्लांट यूज करते हैं। यह आप हम लोग पिछली क्लासिफिकेशन की वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पैसिव कौन सा, एक्टिव कौन सा। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोबल बायोकेयर का यूज करें, नोबल बायोकेयर में आप नोबल रिप्लेस आता है जो हमारा क्या है, पैसिव इम्प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 4 मिलीमीटर का डायमीटर देख रखा है, तो 4-0.3 तक हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, जो कि मेरा होगा 3.7 मिलीमीटर के अराउंड जो होगी वो मैं 3.7x11 मिलीमीटर जो होगी वो मेरी लास्ट ड्रिल होगी। अगर आप D3 D4 बोन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो क्या है, पोरस बोन है, जो कि क्या है मेरी सॉफ्ट बोन है, इसके अंदर हम कौन सा इम्प्लांट यूज करते हैं, एक्टिव इम्प्लांट यूज करते हैं। सेम अगर नोबल बायोकेयर का यूज कर रहे हैं, तो नोबल एक्टिव इम्प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, अगर D3 D4 की बोन की बात कर रहे हैं, अगर ये देखिए ये जो है ना वैल्यू, ये वेरी करती है सिस्टम टू सिस्टम, वेरी करती है कौन सा इम्प्लांट यूज कर रहा है, तो समवेयर अराउंड हम लोग 0.8 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज जो है डिफरेंस रखते हैं। तो 4-0.8 यानी मेरी लास्ट ड्रिल कितने की होगी, मेरी 3.2 मिलीमीटर की होगी। अब 3.3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, समवेयर अराउंड मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन इसमें D3 D4 सॉफ्ट बोन में हम लोग क्या है, कैप ज्यादा रखते हैं, मतलब ड्रिलिंग जो है वो कम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्टिव थ्रेड होते हैं, बोन सॉफ्ट है, कसेंगे तो अपने आप थोड़ी बोन एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बहुत एक्टिव इम्प्लांट यूज करें, तो हमारे पास एक स्पेशल ड्रिल होते हैं जिसको बोलते हैं बोन टैप या फिर थ्रेड फॉर्मर। ये क्या करता है, ये हमारा ऑस्टियोटमी साइट के अंदर जो है थ्रेड्स क्रिएट कर देता है। और इरिगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कोई मुझे बोलता है कि बहुत ज्यादा इरिगेशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा इरिगेशन कुछ नहीं होता है, इरिगेशन आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो इरिगेशन आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद हम चेक करेंगे, जैसे इम्प्लांट प्लेस हो गया, हमने ऑस्टियोटमी कर दी, अभी इम्प्लांट प्लेस नहीं हुआ है, अभी ऑस्टियोटमी हुई है, ऑस्टियोटमी कर दी हमने पूरी, तो हम चेक करेंगे प्रोब से डेप्थ चेक करेंगे, फिर हम लोग बकल और हमारी लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स चेक करेंगे, उसकी थिनिंग चेक करेंगे, उसकी परफोरेशन चेक करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑस्टियो इंटीग्रेशन में मैं आपको बता चुकी हूं, ब्लीडिंग चेक करेंगे। ब्लीडिंग करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, बोन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर आप बोलेंगे कि मैम कितना डिस्टेंस रखना, अब मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस करो या सिंगल इम्प्लांट प्लेस करो, अगर मैं एडजेसेंट दांत के साथ मैं अपना इम्प्लांट प्लेस कर रही हूं, तो कितना मेरा डिस्टेंस होना चाहिए दांत के साथ इम्प्लांट का, तो वो होता है मेरा 1.5 मिलीमीटर, अगर नेचुरल दांत के में स्पेस, मिनिमम की बात कर रही हूं मैं आपको, मिनिमम इतना हमें रखना ही रखना, अगर इससे कम स्पेस रख देंगे तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा जो मेरा एडजेसेंट दांत है उसके पीडीएल का। ठीक है, और अगर हम मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि हम ओवर डेंचर के केस में प्लान करते हैं,
तो मेरा 3 मिलीमीटर कम से कम, वैसे 3 to 4 रखते हैं, 3 मिलीमीटर कम से कम मेरा जो है इम्प्लांट्स के बीच में जो होना चाहिए उतना मेरा गैप होना चाहिए। तो वो भी अगर सेम, अगर इससे कम गैप रखूंगी तो क्या होगा, मेरा कंप्रेशन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी बोन की। ये सब प्लानिंग में आप देखते हो, अगर मैं प्लानिंग में पहले ही प्लान करके रखेंगे हम लोग, और ओपोजिंग आर्च में जो होगा मेरा कम से कम जो होगा 10 मिलीमीटर का स्पेस होना चाहिए ओपोजिंग आर्च के साथ। वो किस लिए है मेरा बताइए, वो किस लिए है मेरा, मुझे अबटमेंट के लिए भी स्पेस चाहिए, मुझे आगे प्रोसेसेस के लिए भी स्पेस चाहिए, तो उन सब के स्पेस के लिए जो है मुझे उतना क्लियरेंस चाहिए चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 1 to 2 मिलीमीटर जो है मेरा सेफ्टी जोन होगा, यानी कि मेरे कितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है जिनको मुझे, वाइटल स्ट्रक्चर है जिनको मुझे बचाना है, जैसे मेरी मैंडिबुलर कैनाल आ गई है, जैसे मेरा मेंटल फोरामेन आ गया, कोई भी मेरा स्ट्रक्चर है उससे मुझे 1 से 2 मिलीमीटर जो है ऊपर रखना है इम्प्लांट को। अगर हम लोग लेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए मेरी मैंडिबुलर कैनाल है यहाँ पे और ये मेरी क्रेस्ट ऑफ द रिज है, इसमें आप एक्सरे में क्या देख रहे हैं, ओपीजी में क्या देख रहे हैं आप, कि हमारा डिस्टेंस या फिर आईओपीआर में कितना आ रहा है, मान लीजिए 15 मिलीमीटर मेरा क्या है डिस्टेंस आ रहा है, तो आप 13 नहीं रखिए, आप मान लीजिए आप 11 का रखिए, आप सेफ साइड पे चलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है मेरा सेफ्टी जोन है। और मेंटल फोरामेन से हम लोग क्या है 3 मिलीमीटर ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास मेंटल फोरामेन में एंटीरियर लूप भी तो आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना हम लोग गैप रखते हैं। उसके बाद अब आपने क्या है इम्प्लांट के लिए ऑस्टियोटोमी प्रिपेयर कर दिया है, अब आपको क्या करना है, इम्प्लांट प्लेस करना है, ब्लीडिंग चेक कर लिया आपने, सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने इम्प्लांट की वायल ली, जो भी हमने जितना भी ऑस्टियोटोमी किया उस डिजायर्ड शेप का साइज का हमने क्या है इम्प्लांट ले लिया, इम्प्लांट की वायल ओपन की, इम्प्लांट ड्राइवर के रेडी रखा, इम्प्लांट ड्राइवर से हमने इम्प्लांट उठाया, हमें इम्प्लांट का सरफेस हाथ से टच नहीं करना है, इम्प्लांट को ज्यादा देर एयर में नहीं रखना है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ऑस्टियोटोमी साइट पे डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। अब या तो आप हैंड से कस सकते हैं, या फिर आप रैचेट एडेप्टर हैंड रैचेट, या फिर आप रैचेट से कस सकते हैं, ठीक है। तो आपका रैचेट एडेप्टर लेके जाइए, उससे क्या है अब आप देखो रोटरी से कर सकते हो या हाथ से कर सकते हो, दोनों तरीके से कस सकते हो, दोनों में आपको क्लॉकवाइज कसना है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, आप हाथ से करेंगे या फिर आप रोटरी से करेंगे तो आपकी 30 स्पीड रखनी है, रोटरी में टॉर्क आप चेक कीजिए आपका 30 होना चाहिए, अगर हैंड से भी करेंगे आपका तो 40-50 से ज्यादा टॉर्क नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा नेक्रोसिस हो जाएगा हमारा बोन का, ठीक है। अब आप कसना शुरू कर रहे हैं, रेजिस्टेंस आ गया बोन में, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा और ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे थ्रेड जो है मेरे बाहर रहे हुए हैं। अब आप जब कसना शुरू कर, रुक जाइए वहां पे, अगर आपको लग रहा है नहीं जा रहा है आप रुक जाइए, आप थोड़े से 2-3 थ्रेड्स जो हैं, थ्रेड्स आपको पता है ना, थ्रेड्स आप पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, थ्रेड्स जो होते हैं सेरेशन जो होते हैं, अगर आप फिर क्या कीजिए उल्टा इसको क्या है काउंटर क्लॉकवाइज घुमाइए, 2-3 थ्रेड को दोबारा बाहर ले आइए, नीचे से जो बोन है उसके प्रेशर को रिलीज कीजिए और फिर थोड़ी देर रुक के फिर आप दोबारा से बोन जब एक्सपैंड हो जाएगी तो दोबारा से उसको क्लॉकवाइज में कसिए। ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, इम्प्लांट की बॉडी जो है ब्रेक हो सकती है, ठीक है। अब आपका इम्प्लांट जो है अंदर चला गया है, अब आपको क्या करना है ऊपर से इसके ऊपर कवर स्क्रू लगाना है। यूजुअली बहुत सारी कंपनियां हैं जो कवर स्क्रू इम्प्लांट के वायल के अंदर ही देती हैं, कोई कोई कंपनी ऐसी है जो कवर स्क्रू अलग से देती है, तो स्क्रू ड्राइवर से क्या करना है हमें कवर स्क्रू उठाना है, उसको भी टच नहीं करना है हाथ से। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उसमें कोई एंटीबैक्टीरियल जेल के अंदर आप उसके थ्रेड्स को यहां से उसके थ्रेड्स को जो है डिप करके और फिर इसके अंदर डालेंगे, उससे क्या होगा एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, ठीक है। तो क्लोरहेक्सिडिन की जेल होती है, जैसे मेट्रोहेक्स ऑइंटमेंट है या फिर टेरामाइसिन ऑइंटमेंट है, तो ये सारी ऑइंटमेंट से आप डिप करके और इसको बंद कर दीजिए, फ्लैप को सूचर कर दीजिए और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स देके भेज दीजिए। ये हो गया हमारा इम्प्लांट का प्रोसीजर। पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आप ऐसी ही और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए, सर्दियों का टाइम है फिर भी पढ़ते रहिए और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।